की मदद से आपको सिखाने वाले कि आप अपने फेसबुक पे किसी को भी ब्लॉक अगर करते हैं, ब्लॉक करने के बाद फिर अगर आपको उसको अनब्लॉक करना होता है किसी काम की वजह से, तो आप किस प्रकार से उसे अनब्लॉक कर सकते हैं और अपने फेसबुक के लिस्ट में जाके देख सकते हैं कि मैंने किस किस को ब्लॉक किया है और आप किस प्रकार से उसे अनब्लॉक कर सकते हैं। जैसा कि आपको मोबाइल की स्क्रीन पे हमारा दिख रहा होगा कि किस प्रकार से लिखा गया है ब्लॉक किए गए लोग और मैंने इतने सारे लोगों को यहाँ ब्लॉक करके रखा हुआ है, तो आपको बस इसे अनब्लॉक करने की ज़रूरत है। तो हम बने रहिए हमारे वीडियो में हमारे साथ, तब तक मेरे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। तो हम आपको बताते हैं कि आप किस प्रकार से अपने फेसबुक प्रोफाइल में ब्लॉक किए गए लोगों को किस प्रकार से उसका लिस्ट आप चेक कर सकते हैं। तो हम जो है इसे पहले हम स्क्रीन पर से हटा देंगे और आपको सबसे चले जाना है पहले अपने प्ले स्टोर पर और वहां से आपको फेसबुक डाउनलोड कर लेना है। जैसा कि मैं अभी आपको दिखा रहा हूं, मैं यहां प्ले स्टोर को ओपन कर लेता हूं और ओपन कर लेने के बाद जो है हम यहां फेसबुक इसमें सर्च करेंगे। तो आपके में अगर यदि फेसबुक है तो ठीक है, नहीं है तो आप यहाँ से सर्च मार के यहाँ इसे इंस्टॉल कर लें। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं हमने यहाँ फेसबुक सर्च मार दिया है और फिर वो जो रिज़ल्ट आएगा आपको मैं दिखा देता हूँ कि हमारे में जो ये जैसा देख सकते हैं फेसबुक, ये वाला फेसबुक हमारे में इंस्टॉल है। ठीक है, तो आपको आप जो भी फेसबुक चलाते हो सबका सेटिंग सेम ही रहता है। तो हम यहाँ मोबाइल की स्क्रीन पर आ जाते हैं और यहाँ से फेसबुक को ओपन कर लेते हैं। फेसबुक को ओपन कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ ये लोड ले रहा है, तो हम इसे लोड लेने देते हैं और देखते हैं आगे का प्रोसेस कैसे होता है। ठीक है, तो बने रहिए हमारे वीडियो में हमारे साथ, तब तक मेरे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो जैसा कि आपको यहाँ दोस्तों देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ जो है मेरा प्रोफाइल खुल चुका है, फेसबुक का प्रोफाइल ओपन हो चुका है, पूरी तरीका से लोड ये ले लिया है। अब हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आपको आगे का प्रोसेस करना है। तो आपको राइट साइड में 3 लाइन का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब क्लिक कर देने के बाद हम यहाँ फेसबुक के जो है यहाँ पे मेन पेज में आ जाते हैं, जहाँ कि हमें यहाँ से पूरा अकाउंट सिस्टम जो है यहाँ से हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपको यहाँ एक सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा, सेटिंग और प्राइवेसी, तो आपको इस पर से क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने जैसे ही सेटिंग पे क्लिक किया तो हमारे सामने यहाँ बहुत सारा ऑप्शंस खुल रहा है, जहाँ कि इसमें से एक सेटिंग और प्राइवेसी का ऑप्शंस आ रहा है, तो हम जो है इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक कर देने के बाद आप जैसा कि देख सकते हैं हम फिर से वही पेज पे आ चुके हैं, तो ये हमारा कुछ गलत हो गया। तो हम जो है फिर से सेटिंग प्राइवेसी पे क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं यहाँ अब जो हमारा सेटिंग जो आ रहा है, यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ दो तरह का सेटिंग है, एक सेटिंग और प्राइवेसी और एक दूसरा उसके नीचे में सेटिंग, तो हमें वो वाले सेटिंग पर क्लिक करना है। तो हम वो वाले सेटिंग पर क्लिक कर देते हैं। अब जो मेरा पेज खुल जाता है कि जैसा आप देख सकते हैं यहाँ से किस प्रकार से मेरा पेज खुल जाता है। अब हम नीचे की ओर आएंगे, नीचे की ओर आएंगे और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से मेरा जो है प्रोफाइल का सारा कंट्रोल यहां से ऑन ऑफ डिसेबल इनेबल हो सकता है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं यहां एक मुझे प्रोफाइल और टैगिंग के नीचे में एक ब्लॉक करना, यहां एक ऑप्शन मिला है ब्लॉक करना, किसी को भी ब्लॉक जिसको मैंने ब्लॉक करके रखा है तो यहां मैंने उसका लिस्ट बनाया हुआ है। तो ये जो है सेटिंग के थ्रू ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा, तो हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। इस पर क्लिक कर देने के बाद दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं किस प्रकार से मैंने जितने भी लोगों को यहाँ ब्लॉक किया है वो सारे लिस्ट में मेरे हैं। आप यहाँ से इसे अनब्लॉक कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ नाम है विशाल यादव और वो ब्लॉक है, तो उसे अनब्लॉक करने का ऑप्शन है। हम अनब्लॉक करके एक बार देखते हैं। ये देखिए जैसे हमने अनब्लॉक पे टिक किया, टाइप किया, तो यहाँ अनब्लॉक का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप विशाल को अनब्लॉक कर देते हैं वह आपकी सेटिंग के आधार पर आपकी टाइमलाइन को देख सकते हैं या आपसे संपर्क कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है दोस्तों हम जैसे ही इस पर अनब्लॉक करें पे क्लिक करेंगे तो वो जो है अनब्लॉक हो चुका है। अब जैसा कि देख सकते हैं वो हट भी चुका है, यहाँ से हमारे ब्लॉक लिस्ट से हट चुका है क्योंकि वो अब अनब्लॉक हो चुका है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप जो है किसी को भी अपने ब्लॉक लिस्ट में से अनब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारी वीडियो कैसी लगी तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।